लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। भाजपा इस बार 400 पार सीटें जीतने के दावे कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के सभी दिग्गजों ने लगातार तीसरी बार सत्ता पर पहुंचने के लिए जी तोड़ रैलियां की। हालांकि इसके बाद भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा या एनडीए गठबंधन को एक भी सीट नसीब नहीं हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से राज्य हैं जहां भाजपा को 0 सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन इसे जानने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि और भी ऐसे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले शुरू करते हैं केरल से। केरल में 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 20 सीटों में से कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 19 सीटें जीतने में सफल रही थी। सत्तारूढ़ सीपीएम के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। मुस्लिम और ईसाई बहुल वाले इस राज्य में भाजपा अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। केरल में 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 13% वोट मिले थे। इस बार भी भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी ने दमखम लगाया है। इससे वोट प्रतिशत तो बढ़ सकते हैं मगर भाजपा को सीटें मिले इस पर संदेह हो सकता है। वहीं बात करें गोवा की तो गोवा जैसे छोटे से राज्य में लोकसभा की महज 2 सीटें हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। इन पर जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है। 2014 में भाजपा ने लोकसभा की दोनों सीट अपने नाम की थी। वहीं 2019 में उत्तर गोवा सीट से श्रीपाद नाइक जीते थे लेकिन दक्षिण गोवा की सीट पर भाजपा हार गई थी। इस बार भाजपा ने दक्षिण गोवा सीट से पहली बार महिला उम्मीदवार पल्लवी डेम्पो को चुनावी मैदान में उतारा है जो उद्योगपति घराने से हैं। कांग्रेस, आप और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने दावा किया है कि पल्लवी डेम्पो को इसलिए उम्मीदवारी दी गई है क्योंकि वो राज्य के मशहूर उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो की पत्नी है। ऐसे में भाजपा के लिए दोनों ही सीट जीत पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेघालय की तो मेघालय में भाजपा ने अपना एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। दरअसल भाजपा का मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अगुवाई वाली पार्टी नेशनल पीपुल्स फ्रंट एनपीपी के साथ गठबंधन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर एनपीपी की जीत हुई थी। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक सीट और एनपीपी को एक सीट मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। उसका मुकाबला एनपीपी से ही होगा। वहीं बात करें मिजोरम की तो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष इस सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य में केवल एक लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2019 में मिजो नेशनल फ्रंट ने ये सीट जीती थी। वहीं 2014 में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। ऐसे में ये सीट भी जीतना भाजपा के लिए चुनौती हो सकती है। वहीं अब अगर नागालैंड की बात करें तो पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य नागालैंड में एक लोकसभा सीट है। 2019 में यहां एनडीपीपी के तोहेको येबथोमी ने जीत दर्ज की थी। यहां पर भाजपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहीं बात की जाए मणिपुर की तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। भाजपा ने यहां बस एक प्रत्याशी उतारा है जो आंतरिक मणिपुर सीट से ही है। वहीं एनपीएफ ने पूर्व आईआरएस टिमोथी जिमिक को कैंडिडेट बनाया है। जिमिक उखरूल जिले के रहने वाले हैं। भाजपा ने इन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव 2019 में बस एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को जीत हासिल हुई थी। इससे पहले के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस का बोलबाला रहा था। ऐसे में इस बार भी भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। चलिए अब बात करें लक्षद्वीप की तो आपको बता दें कि भाजपा ने लक्षद्वीप में भी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। भाजपा ने एक लोकसभा सीट वाले पुडुचेरी में मौजूदा राज्य के गृह मंत्री ए नम सिवायम को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ भी मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा या एनडीए को यहाँ से जीत नहीं मिली थी। ये सीट यूपीए गठबंधन ने जीत ली थी। ऐसे में हम अगर बात करें कि इन राज्यों में भाजपा को हो रहे नुकसान का उन्हें कितना फर्क पड़ेगा तो आपको बता दें कि भाजपा के ऊपर जो भी राज्य हैं उनमें सीट ना जीतने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले भी वहां पर कम सीटें ही जीती थी। अगर इन राज्यों में कुछ भी सीट जीत भी जाते हैं तो उसे ये बोनस जैसा ही हासिल होगा। ऐसे में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि और भी ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपके आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़ी हर एक खबर को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है?
जी हाँ, एक्सेस भारत लेकर आता है आपके लिए तमाम मुद्दों को। बिना देरी के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।